सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। माय नेम इज सूरज एंड ही सलित पंत। तो आज हम निकलेंगे सैर पे और देखेंगे नैनीताल में क्या चल रहा है। सो फ्रेंड्स, इस समय हम लोग हैं आपका मल्लीताल फुटपाथ पे, जो कि लोकेटेड है एक स्टेशन के सामने। और देखिए, यहाँ पर तरह तरह के आइटम्स मिल रहे हैं, जैसे कि टोपी, वुलन मफलर और आपका शॉल, वुलन कपड़े, क्योंकि नैनीताल में ठंडा बढ़ने लगे हैं, तो सब तरीके के आप यहाँ पे वुलन आइटम्स मिलने लगे हैं और भी आपको कम दामों पे मिल जाएंगे। आप देख रहे हैं, ये अभी आज भीड़ कम है। सो फ्रेंड्स, थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, अब हम लोग आगे हैं नगर पालिका के सामने, नैनीताल नगर पालिका के सामने। यहाँ पर एक स्कूल के बच्चों का ग्रुप आया हुआ है, आप लोग देख रहे हैं, ये पूरा स्कूल बच्चों का ग्रुप है। अच्छा लगता है जब बच्चे घूमने आते हैं बाहर से, उन्हें बहुत अच्छा लगता है नैनीताल घूमने में, काफ़ी इंजॉय करते हैं नैनीताल का वेदर। ये देखिए नैनीताल नगर पालिका, और नैनीताल नगर पालिका से ये पूरा मल्लीताल फ्लैट से का एक दृश्य। यहाँ पर बच्चे खेल भी रहे हैं। अस्सी से नब्बे गाड़ियों की पार्किंग है पुलिस चौकी के सामने, मल्लीताल थाने के सामने। या जैसे आप नैनीताल में एंटर करते हैं मल्लीताल में, तो फर्स्ट पार्किंग आपकी यही पड़ती है। मस्जिद के बगल में एक कोतवाली, और देखिए गाड़ियाँ आ रही है अभी भी। देखिए, आप देख पा रहे हैं मल्लीताल फ्लैट साइड काफी लोग घूम रहे हैं, ये साइड में भी एक ग्रुप लग रहा है। पार्किंग आज पूरी फुल है और रोड खाली है। लोकल पार्किंग हो सकती है ये कह सकते हैं। ये आपका रास्ता आता है डीएसबी को, ऊपर वाला, इधर वाला जाएगा आपका कालढुंगी को, तिराया है यहाँ पे। और ये अभी हम जा रहे हैं भुट्टे मार्केट की तरफ को। ये दूसरी पार्किंग एंट्रेंस, ये सबसे बड़ी पार्किंग है यहाँ की, मेन पार्किंग यही है नैनीताल के अंदर मल्लीताल फ्लैट्स पे। ये भी कुछ पीछे को तो खाली है, आगे आगे भरी हुई टाइप की थी। बगल से सोनम वाली गली, आज हम सोनम की मोमो खाएंगे हाफ प्लेट, टेस्ट करूंगा मैं, आज मैं खाता नहीं अक्सर। बगल में यहाँ कुछ फुटपाथ्स लगी है उसी गली में। चाचा में क्या पार्किंग के बगल से है गली शुरू, ये गली भी खाली लगी ना आज। ये भूटिया मार्केट और सोनम मोमोस। ये आपकी भूटिया मार्केट, बगल में नंदी मंदिर। अब चलते हैं ठंडी सड़क को। ये देखिए बोर्ड स्टैंड, और टाइम हो चुका है 5:05 का, बज चुका है इस समय। ठंडी सड़क, बरसात के मौसम। सो फ्रेंड्स, इस समय मैं पहुंच चुका हूं ठंडी सड़क पे, और ये हमारे मित्र जो आराम फरमा रहे हैं। थकान लग गई है थोड़ा, थकान में है तो थोड़ा आराम फरमा रहे हैं। और आज तो है ठंडा, ठीक है, ठंडा ज्यादा नहीं आज। क्यों? शाम को बढ़ेगा थोड़ा, जैसे जैसे शाम ढलेगी वैसे वैसे ठंड ऊपर को आएगी।
मेरे सामने बना कांच का एक ब्यूटीफुल सा रेस्ट हाउस टाइप का, और बगल में गोलजू का मंदिर देख रहे हैं आप। और ये यहाँ पर ये प्यारा सा महान नैनी लेक आप देख रहे हैं। अब थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, सुंदर सा दृश्य। तालाब में नौकायन करते हुए सैलानी और डबा डब भरा हुआ तालाब। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग जैसे आपको बता रहे हैं नैनीताल में जो है घूमने के लिए आज भी ट्विस्ट कम है, आज भी ट्विस्ट कम। थोड़ी सी चढ़ाई आगे क्योंकि यहाँ पे टूटा है तो चढ़ाई है ही, तो ब्यूटीफुल लगता है। माल रोड जो कह रहा क्या है, ठंडी सड़क, ये देखिए पसार देवी मंदिर थोड़ा सा आगे है हमारे। अब आगे तरफ चलते हैं हम, धीरे धीरे आगे तरफ बढ़े, और ये थोड़ा हाइट पे है। देखिए ये है इसका मेन एंट्रेंस गेट, ये सामने से जिसके आप लोग देख पा रहे होंगे। हम थोड़ा सा आगे तरफ चलेंगे और सामने ये देखिए ये जो नया कंस्ट्रक्शन हुआ है, रेलिंग लगी है यहाँ पर, पहले ऐसा नहीं था, इधर को ही काम चल रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं। एक और ब्यूटीफुल सा नज़ारा केक पॉइंट से, कितनी प्यारी लग रही है बोट आप देख सकते हैं, और चारों तरफ पानी पानी, बीच में एक सिंगल बोट आप लोग देख पा रहे हैं, और बगल में में से मैं तल तल पहुंचने वाला हूं, और मेरा पंजी जो है वो सूट पे लगे पड़े हैं, और हम थोड़े आगे पहुंच गए। इस समय हम लोग पहुंच गए तलिताल, लगभग ये तलिताल डाट पे हम लोग पहुंच गए हैं, पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा पीछे भी अलग डाट से, यहाँ पे काम चल रहे हैं। देखिए यहाँ से भी बीच में चौक टाइप के बना दी है, एक रास्ता आपका जाता है डीएसबी कॉलेज को, ये रास्ता डीएसबी कॉलेज का जाएगा ऊपर को, दूसरा तलिताल को। सो फ्रेंड्स, हम लोग इस समय तलतार पहुंच ही गए हैं, और अपने ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।